नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो अभी हाल ही में भारत की नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं 25 जुलाई को, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति पद पर संभालने वाली प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के नव निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये कौन से 14वें उपराष्ट्रपति हैं? उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय से में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? राज्यसभा के नए सभापति बने हैं जगदीप धनखड़। 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति की इन्होंने शपथ ली थी और शपथ लेकर इन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था और देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के नए सभापति हैं जगदीप धनखड़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। ये 25वें बने हैं। कौन से? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयोग में आने से पहले कुमार पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन थे। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2020 के अप्रैल में ही उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट के बाद हुई थी। राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो 2020 के फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1957 में तमिलनाडु में हुआ था। यह 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें नंबर के हैं, 14वें गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? देश के सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू हैं जो भारत देश की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद है, नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। ये 29वें नंबर के नए थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं तरुण कुमार। इसके बाद है, नए विदेश सचिव कौन बने हैं? नए विदेश सचिव
कौन बने हैं वर्तमान में? तो इनका इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। इसके बाद है नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन बने हैं? अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। इसके बाद है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है SL थाउसेन SSB के नए महानिदेशक बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। इसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय चंद्र, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक बने हैं। इसके बाद है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है SEBI यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड SEBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SEBI के नए अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बुच SEBI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। UIDAI के नए CEO हैं सौरभ गर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा M जगदीप कुमार, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष हैं M जगदीप कुमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है JNU के कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शांति श्री धुलीपुरी पंडित, ये 13वें नंबर के कुलपति हैं 13वें नंबर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CBSE के नए अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर है निधि छिब्बर CBSE के नए अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष, तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं S. सोमनाथ और ये 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं G. सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? नए इस्पात मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया।
ये नए इस्पात मंत्री बने हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वर्तमान में कौन क्या है से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो अगस्त सितंबर तक अपडेटेड हैं। तो वीडियो को पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।